प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले कई घंटों से ध्यान साधना में लीन हैं और इस बीच देश के कोने कोने से लोग यहां पर यानी इस ध्यान मंडपम को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कई लोगों को पहले से जानकारी थी कि प्रधानमंत्री यहां पर हैं, लेकिन कई लोगों को आकर जानकारी मिली है। ये जो ग्रुप है ये गुजरात से आया हुआ है और गुजरात से देश भर से प्रधानमंत्री का लगाव खास है, लेकिन गुजरात के लोगों का प्रधानमंत्री से ज्यादा लगाव है और ये लोग खुद जानकर कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए मेरे पास आए हैं। और पहले मैं नाम जानती हूँ इन लोगों का और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी। क्या नाम? मेरा नाम अश्विन सुखड़िया है और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। जी मैम, प्रधानमंत्री यहाँ पर है, पहले से पता था आपको? जी मैम, हमको पहले से पता था और हम आज खास करके उन्हीं के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री को देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर प्रधानमंत्री है उससे थोड़ी सी दूरी पर आप? मैम, वो चाहे जितने भी दूर है हमारे आशीष उनके साथ ही रहेंगे। अब की बार 450 के पार। वो तो 400 कह रहे हैं या 450 कह रहे हैं? हाँ, मेरा नाम आसिफ मलिक है, मैं अजय मोदी ट्रेवल्स से अपने पूरे कस्टमर को लेके आता हूँ। आप पर इतना बताइए, इस यहाँ यहाँ पे हम आए हैं गांधी मंडपम देखने के लिए, विवेकानंद रॉक देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी रुके हुए हैं तो उसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे, लेकिन फिर भी हमारा ग्रुप पूरा हैप्पी है। हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? कि पीएम गुजरात से आते हैं इसलिए अंदर हैं, इसलिए खुश हैं, या फिर पीएम यहाँ पर आए हैं इसलिए? पीएम यहाँ पर आए इसलिए खुश है, अब की बार 450 पार। मोदी है इसलिए खुश है, वरना कह देते भाई यहाँ हमारा जाना है, हम 400 कितने किलोमीटर काट के यहाँ आए हैं। आप पीएम के लिए रुके हुए हैं कि चलो ठीक है, कम से कम आप नहीं जा पाए तो पीएम तो अंदर। हाँ, हम खुश हैं कि पीएम हमारे पीएम यहाँ पे। अच्छा, आप खुश हैं? आप तो मतलब सब यंगस्टर हैं और इतना जानते हैं पीएम के बारे में, वोट करते हैं आप लोग क्या? हाँ, वोट करते हैं। गुजरात में तो पहले वोट हो गया। हाँ, अभी तक है, देखो अभी भी निशान है आपके हाथ में, देखिए निशान दिखा दीजिए। अहमदाबाद से स्पेशल राजकोट आई वोट करने के लिए। चलिए मैं राजनीति की बात नहीं करूंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के अंदर मेडिटेशन पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसमें भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप युवा हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत बात है। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो विपक्ष के लोग जो इनके ऊपर निशाने साधे हुए वो बिल्कुल गलत निशाना साध रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपना मन शांत करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना कि वोट बैंक के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरी सभी जनता से अब की बार 450 पार का नारा लेके ही वोट करिएगा। तो अब तो लास्ट फेज की वोटिंग बची है और ये वोटिंग वहां पर है जहां से प्रधानमंत्री प्रत्याशी हैं। एक बार फिर से बोलिए बोलिए। प्रधानमंत्री कहां से चुनाव लड़ते हैं ये पता है ना? वाराणसी। कल वहीं पर वोटिंग होनी है। हाँ, सीरियसली। और इस बार इधर आओ ना, आप इधर आके बोलो। बोलते हमारा गुजरात का टाइगर ही रहेगा और ऐसे भी मेंशन आए टाइगर लायन। या क्यों लायन क्यों रहेंगे, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, गिर गुजरात में है ना, तो गुजराती जो भी होते हैं वो सारे लायंस ही होते हैं, एंड हमारा एक लायन दिल्ली में भी बैठा हुआ है। ये पीएम को लायन कह रहे हैं, ये टाइगर कह रहे हैं, आप लोगों ने अलग अलग उपाधि दे दी है उनको, लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं खाली शो ऑफ कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो शो ऑफ नहीं है, इनके डिसीजन देखिए ना आप, डिसीजन से ही आपको पता चलेगा कि कौन लायन है कि कौन शो ऑफ कर रहा है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? कश्मीर में जाके हमने घुस के मारा है तो कौन कर सकता है, लायन ही कर सकता है ना। अच्छा, नहीं मुझे नुच के पीछे। आप लोग भी गुजरात से हैं सारे लोग, आप भी गुजरात से आगे आइए। क्या कहेंगे? पीएम अंदर है, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं पीएम के साथ? हाँ, हम पीएम के साथ है, कोइंसिडेंटली हम यहाँ पे है, लेकिन हम उनके सपोर्ट में ही है और वो यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो साधना कर रहे हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं, राइट? वो यहाँ पे वोट बैंक के लिए नहीं है। हाँ, वो जो भी कर रहे हैं वो मन की शांति के लिए कर रहे हैं और वो काफी और पूरी जनता है और वो अब तक क्या कर रहे हैं सबको पता है। पहले वो गुजरात के सीएम थे लेकिन अब पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। क्यों है? क्योंकि उनका काम बता रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और वो अकेले है, सब लोग उनके साथ है और आगे ही मोदी जी ही आए। एक अकेला सब पे भारी है। हाँ, एक अकेला सबके ऊपर भारी है। अच्छा, प्रधानमंत्री के यहाँ आने से पहले स्वामी विवेकानंद ने यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया था और उसके बाद विश्व धर्म संसद में शिकागो में हमने अपनी बात रखी थी। कुछ लोग इसको ऐसे भी जोड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ से एक नई ऊर्जा के साथ जनता के लिए काम करने के लिए निकले। हाँ, लिए तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र दत्त वो सब एक ही है। और ये जो स्टेच्यू अपना है नरेंद्र नाथ जो कि स्वामी विवेकानंद है, हम तो नरेंद्र से जानते हैं उसे और मोदी को ही वही जानते हैं। एक नरेंद्र 1862 में 131 साल पहले आए थे, एक नरेंद्र अब यहाँ भी आए हैं और वो भी जो किया था उसने
फॉरेन देश में जो डंका बजाया जाया था अपना, हाँ वही काम ये कर रहे हैं, भी कर रहे हैं वही काम। मैंने पूछा कि स्वामी विवेकानंद को एक नई एनर्जी मिली थी, आपको लगता है पीएम जब ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर से जनता हमें चुनेगी, नई एनर्जी मिली? ये जो मैम बैठे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ध्यान के लिए बैठे, ये ध्यान करने इसके लिए बैठे, ये ध्यान करने से उनको पता चलेगा कि मुझे 5 साल और कितना देश को आगे लेके जाना है। ये ध्यान इसी के लिए कर रहे हैं, ना कि वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। कुछ कह रहे थे हाँ ध्यान उनसे लाइक मेडिटेशन, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं जैसे हम, ऐसा पता चल रहा है हिमालया में और यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोग फॉरेन से कंट्री से यहाँ पे आते हैं मेडिटेशन के लिए और आइडियाज न्यू जनरेट करने के लिए। सो ऑब्वियसली दिस इज रिन्यूअल ऑफ एनर्जी और इससे ज्यादा जो आइडियाज मिलेंगे वो न्यू एनर्जी के साथ। मतलब आप पूरी तरह से आप भी कॉन्फिडेंट हैं कि एक बार फिर पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी? कंप्लीटली कॉन्फिडेंट। मोदी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये देखिए गुजरात के लोग हैं, ये गुजरात के लोग हैं जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। यहाँ कन्याकुमारी में भी गुजरात से आए हुए लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बातें कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि वो एक नई एनर्जी लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जिससे वो देश का और विकास कर सके, देश का और मान बढ़ा सके, क्योंकि उन्होंने ही अब तक देश का मान बढ़ाया है और आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री देश को उस गति से आगे बढ़ाएंगे जिस गति से देश को बहुत पहले आगे बढ़ना था, लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और तीसरी बार एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए और ज्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे। कैमरा से योगेश संजीव के साथ रामिका पांडे, रिपब्लिक भारत, कन्याकुमारी।